इस प्रोग्राम के सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। जबरदस्त चुनौतियों का सामना करने वाला हूँ, जहाँ जिंदा रहने से जुड़ी तकनीकें जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है। मैं अभी साइबेरिया में हूँ, दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर। यहाँ का तापमान -68 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। मैं उन लोगों से मिलने वाला हूँ जो यहाँ जीने का तरीका जानते हैं, और उनकी कुछ तकनीकें भी सीखने वाला हूँ। एक याक हमारी जिंदगी कैसे बचा सकता है, और ऐसी चीजें खाते हैं जिन्हें खाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पर इस सब के लिए मुझे पार करना होगा खतरनाक सायन पहाड़ों को। मैं अभी दक्षिणी साइबेरिया के ऊपर से उड़ रहा हूँ, और करीब 1,25,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके का मिजाज भी यहाँ के मौसम जैसा ही है। ये बर्फीला वीराना मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। अगर आप साइबेरिया में कहीं भटक जाते हैं तो यहाँ जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बिना किसी शक के ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। इस ऊंचाई पर अगर कोई गलती हुई तो मेरे पैर या रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आइसलैंड के इस बर्फीले इलाके में कैसे जिंदा रहा जाता है। तो आज मेरे पास सिर्फ यही है, और इसमें मैं जाके कहीं पे बैठ के रड़ूंगा, ये बात है। लेकिन आज मैं ज़्यादा घने जंगल में भी नहीं आया, हल्के हल्के जंगल हैं, और यहाँ पर आइसलैंड की बहुत भयंकर बर्फ़ पड़ रखी है। ये बर्फ़ काफ़ी ठंडी है, ये देखिए इतना ठंडा है ना ये बर्फ़। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ठंडा है ये बर्फ़। और यहाँ पर साल में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, एक बार गिरती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गिरती है। कम से कम 1 क्विंटल से ऊपर ही बर्फ़ गिरती है, पूरे दिन के बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। और आइए आपको यहाँ पर हम सर्वाइव करना सिखाएंगे, कैसे इस आइसलैंड में सर्वाइव किया जाता है। तो हमारे पास कुछ खाने लायक भी नहीं है, बाकी हमें इस आइसलैंड से बाहर निकलना है। तो चलिए फिर आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। बाकी मेरे साथ हैं कैमरामैन। तो मेरे को यहाँ पर एक चट्टी मिल चुकी है, जिसके सहारे मैं इससे ऊपर चढ़ूँगा। यहाँ से चढ़ते हैं बर्फ़ में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, इस महीने में तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, अरे मेरे पत्थर जेब के अंदर, मतलब पैरों में बर्फ़ गिर चुकी है। और यहाँ पर आजकल तो गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, और इन पेड़ों की सारी बर्फ़ नीचे गिर चुकी है, जो कि यहाँ पर नीचे की साइड फंसी हुई है। तो हम यहाँ से अभी काफ़ी घने इलाके में जाएंगे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी हमें। तो आइए फिर, ये देखिए जो मैं बता रहा था ना, ये पेड़ कैसे टूटा ये मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी एक साथ, तो ये पेड़ उसका वजन सहन नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये टूट गया है। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा पंजों के निशान भी है, और ये पंजों के निशान है। यहाँ पर कोई चीता भी रहता है, बाघ भालू जो भी है, और यहाँ पर जानवर के निशान है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे में मतलब इसके आगे की ओर बढ़ा है, लेकिन हम यहाँ से ऊपर की साइड चलेंगे, इस साइड चलते हैं। और आप जरा इसे देखिए, पहले बनानी पड़ेगी मेरे को यहाँ पर रलने के लिए। अरे अरे अरे, तिरपाल फट गई है यहाँ पर, लेकिन ठंडा काफी ज्यादा है। ओहो, आजा आजा आजा, पहले मेरे को यहाँ पर बनाना होगा खेलने के लिए, और उसके बाद दोबारा आना होगा ऊपर से रड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही बनाया जाता है। ओहो, अब देखिए थोड़ा सा बन चुका है इस शेप में, अब मैं एक बार दोबारा जाके आता हूँ। पैंट गीली हो चुकी है पीछे से पूरी, कोई बात नहीं हम सुखा लेंगे। और अब मैं दोबारा आ रहा हूँ यहाँ से, अब देखिए थोड़ा तेजी में आऊँगा। अरे 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 अरे, थोड़ा सा कहीं कहीं पे बर्फ़ ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा स्मूथ में नहीं आ रहा है ये। एक बार दोबारा जाऊँगा उस बार, भाई बर्फ़ पूरी यहाँ देखिए पीछे, भाई कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, बर्फ़ अंदर घुस चुकी है पैंट के अंदर, यहाँ से निकल रही है। ये तो बुरा हुआ था, लेकिन कोई नहीं, एक बार तो चलता है, दोबारा आऊंगा मैं यहाँ से, इस बार देखना आप। बर्फ बहुत ही स्पीड में आऊंगा, लेट्स गो। अबे वो चल रहे,
गाड़ी बंद हो गई है, बस अटक गई है गाड़ी। ये तिरपाल पूरी फट चुकी है गाइस, ये देख सकते हैं दोस्तों। बाकी भाई साहब पीछे देख सकते हैं बर्फ वहाँ से घुस रही है अंदर, देखिए पूरी बर्फ अंदर घुस चुकी है। और ज़्यादा देर हम ठंडे इलाके में रहे तो हमें हाइपोथर्पिया या निमोनिया हो सकता है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। आते रहिए। मैंने आज से पहले इतनी ठंड कभी महसूस नहीं की है। इस ठंड में तो जैसे मेरी हड्डियां भी कांप रही हैं। तापमान -30 के नीचे होगा, ये शरीर के अंदर मौजूद सारी ऊर्जा सोख रहा है। जरा सी लापरवाही हुई तो जान भी जा सकती है। थोड़ा रास्ता, दूसरा रास्ता अपनाना होगा। काफी फिसलन भरा है, कैमरामैन ध्यान से आना। थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पाँव के अंदर पूरी बर्फ ही बर्फ घुस चुकी है। काफ़ी रेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए हाथ कितने ठंडे हो गए हैं भाई साहब। पहली बार आया हूँ मैं आइसलैंड में और यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर कड़ाके की, तो ज़्यादा देर रेस्ट भी नहीं करूँगा। इतनी गहरी बर्फ में चलना थका देता है, ऐसा लगता है जैसे हर कदम एक एक टन का हो गया हो। तो रेस्ट कर लिया है हमने, अब नीचे की साइड चलते हैं, कुछ होगा वहाँ पर मिलेगा। आइए, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर काफी ज्यादा पाला गिरा हुआ है। और फिर आपका सामना होता है साइबेरिया की खतरनाक नदियों से। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया की करीब करीब सारी नदियाँ जम जाती हैं। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर स्केटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ये तो आइसलैंड की सबसे खतरनाक है, मुश्किल में से एक है। और जैसे हम यहाँ से आगे क्या, ओए ये पाला टूट चुका है, यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा कठोर है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए टूट गया है, पानी ऊपर की ओर आ गया है। तो हमें ये देखिए यहाँ पर निशान नहीं दिख रहे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानवर आते रहते हैं। ये देखिए जानवरों के पंजे के निशान दिख रहे होंगे यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर फिसलने के लिए भी काफ़ी मस्त है। तो यहाँ नीचे पे भी है क्या तालाब, लेकिन वहाँ पर है नहीं शायद, वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। अच्छा हो रखिए इस साइड काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे था यहाँ पर। तो हम इसी रास्ते से ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डेंजरस। अब हम यहाँ पर एक चीज़ दिखाएंगे कैसे यहाँ पर डाई मारी जाती है, तो यहाँ से हम डाई मारेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें खतरा भी होता है, लेकिन हम एक सर्वाइवर हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स पता है। तो अब देखिए सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे करिए और ऐसे करिए ये और कोई याद नहीं, खेलने में बर्फ में जितना मज़ा आता है ना उतना आप ले सकते हो। ये देखिए वहाँ पर बर्फ, ओ हो, ये सुकून कहीं नहीं मिलता आपको, सिर्फ इसी आइसलैंड में मिलेगा, क्योंकि ये आइसलैंड पूरा हमारा ही है समझ लो, ऐसी बात नहीं है। बाकी यहाँ से आप रड़ सकते हो और अपनी शक्ल भी बना सकते हो। जैसे शक्ल कैसे बनानी है मैं बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर दो पाँव रखने ऐसे, ये पीछे पूरा साफ होना चाहिए, बाकी फिर ऐसे जाओ ऐसे 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 मारो और ऐसे, और थोड़ी देर में ऐसे उठ जाओ, उठ जाओ एक बार ऐसे मार के, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कौन था, योगिल्स था। यहाँ कोई गलती हुई तो जिंदा बचने की संभावनाएं बहुत कम है, यहाँ दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है और आपको कोई बचाने नहीं आएगा। और यहाँ पर हमें एक पानी की बोतल मिली है, जो कि यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं लेकिन पानी की बोतल और ऐसे कागज वागज फेंक के चले जाते हैं, तो ये गलत बात है। तो इसमें हम बर्फ़ भी भर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके, और ये नीचे अगर मैं इसमें भर के रखूँगा काफ़ी ज़्यादा तो ये पानी बन के हमें पीने लायक हो सकता है। तो हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, आगे देखते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ है आइसलैंड में। चलिए कैमरामैन आते रहिए। अगर आप 24 घंटों के अंदर एक जमी हुई लाश नहीं बनना चाहते तो आपको लगातार चलते रहना होगा। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, हमको लगता है यहाँ पर रात हो चुकी है, हमें इस अंधेरी रात की जल्दी से जल्दी आगे की ओर बढ़ते रहना है, हमें कोई बस्ती वस्ती वगैरह ढूंढना है। देख सकते हैं यहाँ पर सूरज की रोशनी थोड़ा भी नहीं आ रही है, इस आइसलैंड में फंस गए तो हम जल्दी से जल्दी हमारी मौत भी हो सकती है। यहाँ पर कहा जाता है काफ़ी लोग इस आइसलैंड में फंस चुके थे
जो कि बिना मदद मतलब उन्हें मदद कोई मिली नहीं, उसकी वजह से उनकी मौत भी हो चुकी थी। इसलिए ये सोचने की बात है, इसलिए हम जल्दी से जल्दी आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। साइबेरिया दुनिया की सबसे खतरनाक और ठंडी जगहों में से एक है और यहाँ का तापमान इस ऊंचाई की वजह से और भी कम है, साथ में ये हवा भी चल रही है। मैं यहाँ पर गिर चुका हूँ, यहाँ पर काफी फिसलन बना है और ये बर्फ काफी ठंडी है। ये देखिए हाथ पांव मेरे अकड़ चुके हैं, यहाँ से कैसे एकदम बर्फ ने मुझे नीचे खींच लिया है। कैसे चलते हैं यहाँ के लोग? ओ भाई भाई साहब, ये देखिए पूरे गीले हो चुके हैं कपड़े इस बर्फ में। और यहाँ पर जो बर्फ गिरी है ना, कम से कम 5.5 फीट से ऊपर गिरी है। मैं तो छोटा सा हूँ। और ये पूरा पेड़ देखिए कितना दब चुका है, ये पूरा पेड़ काफ़ी पुराना पेड़ है और ये देखिए कितना दब गया है। अभी तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बर्फ़ पिघल भी चुकी है क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी स्टार्ट होने लग गई है। तो ये देखिए आप इस बर्फ़ का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर आपके पास पीने लायक पानी ना हो तो इसे ऊपर से पहले थोड़ा सा साफ कर लीजिए। देखिए अभी ऊपर से हमने थोड़ा साफ किया है। यहाँ बर्फ खाने की भी बहुत इच्छा होती है, पर ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे आपका मुंह जल जाएगा, मुंह में छाले पड़ जाएंगे। आपको जहाँ भी पानी भरने का मौका मिले पानी जरूर भर लें, जो कि आपको एनर्जी देती रहेगी। इतने से अपने पास रख लेता हूँ, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी सुनसान इलाका है और इसी इलाके से हम आगे की ओर जाते रहेंगे। रास्ता जैसा बन रखा है, यहाँ पर काफ़ी पर्यटक काफ़ी एडवेंचर करने आते हैं इस वीरान इलाके में। हम इसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और यहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा खतरा भी है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई इस आइसलैंड में और ढेरों सारे सैलानी यहाँ पर फंस जाते हैं। अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इतना ठंडा मौसम नहीं है, लेकिन सुबह की यहाँ पर बर्फीली हवा आपको मतलब शरीर आपका सुनसान कर देगी, एकदम सुन कर देगी। यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी आएंगे बर्फीले इलाके में। और अरे अरे क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये कैसे उड़ गया? ये सोया हुआ था, यानी कैसे उड़ गया है भाई? इसे हमने जागृत कर दिया है नींद से, कोई बात नहीं। अच्छा तो हम ये देखिए यहाँ पर पंजों के निशान भी हैं। यहाँ पे भाई यहाँ पर दुर्गा भालू रहता होगा जो कि बर्फीले इलाके में रहता है। दुर्गा भालू से काफ़ी बच के रहे, लेकिन हमारे पास बचाव के लिए एक लक्ष्य भी है। उस लक्ष्य का हम काफ़ी सही उपयोग कर सकते हैं सही टाइम पे। हमें जल्दी से जल्दी आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये काफ़ी दूर दूर तक मेरे को कोई बस्ती वस्ती नज़र नहीं आ रही है। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर आपको देख रहे ये पेड़ में बर्फ पूरी अटकी हुई है। ये देखिए जूम करके कैमरामैन इसे दिखाइए और मैं इसे गिराने की कोशिश करूँगा इस लकड़ी से। ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ अटकी हुई है। थोड़ा सा बची हुई है, उसको रहने देते हैं, आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। इसमें यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरती है और हमारे मतलब माना जाता है, कहा भी जाता है और माना भी जाता है और यहाँ पर इतिहास में लिखा भी है, यहाँ पर एक साल इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी थी कि मतलब कोई भी सैलानी यहाँ पर आ नहीं पाया था और ऊपर से देखा था तो नापा था उस बर्फ़ को, कम से कम यहाँ पर पड़ी थी 10 फीट से ऊपर बर्फ़। तो यहाँ पर मतलब जानवर भी काफ़ी दूर चले गए थे इस इलाके को छोड़ के। अब देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं क्या गिरे हुए हैं, ये देख सकते हैं ऐसा लगता है किसी की पुछड़ी जैसी लग रही है, पर ये पता नहीं क्या है। लेग पीस नो, अरे छोड़ देते हैं इसको, पता नहीं क्या है। इन पेड़ों से गिरे हुए हैं और देखिए यहाँ पर आलू के पंजों के निशान कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ से आगे की ओर बड़ा है भालू, अरे बाघ भाई साहब देख सकते हैं। ओहो यहाँ पर बच के रहना चाहिए हमें, वो पंजे के निशान जा रखे हैं इस साइड ऊपर की साइड जा रखे हैं, लेकिन हम भी वहाँ जाएंगे कोई जानवर मिलेगा ऊपर भी हो जाएंगे। इसी इलाके से हम जाते हैं ऊपर की ओर, काफ़ी काफ़ी खतरा भी है, ध्यान रखिए आप। हमारे पास है ये कैंपस, हम इससे उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पूर्व दिशा की ओर पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब ये मतलब जिस तरफ हवा चलती है ना उस तरफ होता है उत्तर दिशा, ठीक है, पूर्व उस साइड हो सकता है मतलब जिस साइड। अभी हम इसे घुमाएंगे, बाकी
क्योंकि हमें यहाँ पर भटक चुके हैं ना, अब मैं इसे घुमाता हूँ। अरे उत्तर की ओर जा रहा है, मतलब यहीं उत्तर दिशा है, तो हमें इसी की ओर बढ़ते रहना चाहिए आगे। और यहाँ पर हमें मिल सकता है बस्ती जाने, घर जाने का रास्ता। तो हम फटाफट से आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। गिरा हुआ और कीचड़ इसलिए हो रखा है क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ गिरी है ना, जो पिघल गई है, इसकी वजह से यहाँ पर कीचड़ हो चुका है काफी ज्यादा। यहाँ पर काफी ज्यादा पंजों के निशान भी है, कोई तो जानवर गया है यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पर बर्फ देखने के लिए आया है। मैं यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ आपको, ये हम अपने स्टूडेंट यहीं पे रखते हैं और यहाँ से जाते हैं हम। ये ओ कोई नहीं है दिक्कत। और अब हम यहाँ से डाइव लगाने वाले हैं। कैसी डाइव लगाएं, कैसे भी लगा सकते हैं, और ऐसे आहा, यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय ले सकते हैं हम। और ये बर्फ ऐसे उठा दें और ऐसे, ये इन्जॉय, ये है बर्फ़ का असली इन्जॉय। और यहाँ से अंदर कपड़ों में घुस चुका है यार, अंदर ठंडा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो आगे की ओर मेरा लकड़ी तो यहीं रह गया, अपनी लकड़ी को लेना ज़रूरी है, कहीं पर हम रड़ घसड़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से रूस की खतरनाक ठंड के सामने कोई टिक नहीं पाता। यहाँ की ठंड बहुत जबरदस्त है, ऐसा लगता है जैसे ये त्वचा को छील रही हो। यहाँ में खतरा नहीं होगा, आइए जरा। यहाँ पर काफी खड़ी चढ़ाई है, ये लगता है माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है जो आप तक आज तक किसी ने देखा नहीं है। चलते हैं आगे की ओर, बड़ी साइड यहाँ पर काफ़ी फिसलन जगह है और काफ़ी फिसल रहे हैं यहाँ पर, पाँव देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, मच्छी पाल एक ऐसा इलाका है यहाँ पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ गिरती है। अभी हम यहाँ से समझ में चलना आएगा, ओ भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ भी हुई है और मुझे रास्ता भी नहीं मिलता है इस टाइप से जाते हैं। और यहाँ पर है रास्ता थोड़ा सा कटीला कटीला रास्ता भी है, पता नहीं यहाँ पर आइसलैंड में कब से पेड़ उगने लगे हमें पता नहीं है। लेकिन आज यहाँ से नीचे का इलाका दिखाता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं बस तो नहीं है। आइए चेक करते हैं। काफ़ी चोट लगी, अच्छा नहीं था ये, लेकिन हम पहुँच तो गई है काफ़ी अच्छी जगह। तो लगता है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये क्या है इतना बड़ा समुंदर। अरे भाई रेगिस्तान, रेगिस्तान बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, आइसलैंड में भी समुंदर है लेकिन वहाँ का पानी थोड़ा पिघल रखा है। मैंने सोचा यहाँ पर पाला पुला गिरा होगा। उस साइड देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, कम से कम 2-2.5 फीट से ऊपर है। अभी हम वहाँ पर जाके भी दिखाएंगे आगे। यह है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बर्फ़ नहीं थी यहाँ पर, और सामने देख सकते हैं ये है पूरा आइसलैंड। आइसलैंड का एक छोटा सा टापू है जहाँ पर हम अभी पहुँच चुके हैं, और इस टापू में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पानी भी ठहरा हुआ है जो कि वो आइसलैंड की बर्फ़ जो है ना वो पिघल के वहाँ पर थोड़ा सा टापू बीच में पानी इकट्ठा हो चुका है। अभी हम उसी टापू में उस साइड जाएंगे, तो आइए आराम से। यहाँ पर काफ़ी जानवरों के पंजों के निशान भी हैं, और ये देखिए यहाँ पर रखा है पानी इकट्ठा। ओ भाई ये यहाँ पर ये कुछ जम नहीं रखा, यहाँ पर ये कठोर नहीं है, यहाँ पर पानी पानी बन रखा है। तो हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, और ये देख सकते हैं जो ये है ना, ये ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, इसमें हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये देखिए कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये दो चीज़ का मिश्रण है, और ये है जो पानी है, पानी भी इसके अंदर है, बर्फ़ भी इसके अंदर है, और ये थोड़ा सा पाला जम गया, कठोर हो रखा है। बाकी ये देख सकते हैं इसके अंदर कितना पानी होगा, देखिए ये देखिए कितना पानी निकल रहा है ना, ये है ऐसा कुछ। और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है, और मैं नापता हूँ यहाँ पर कितना ज़्यादा बर्फ़ है। तो पानी की बोतल अभी यहीं पर रख देते हैं फिलहाल। ये आइसलैंड का बहुत बड़ा टापू है और यहाँ पर हम बर्फ़ नापेंगे। ये देखिए 1 फुट 2 फुट के बराबर यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई है, और ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, ये देख सकते हैं।
क्या मस्त लग रहा है भाई ये देखिए। और यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा खेल भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर हम कैसे इंजॉय भी कर सकते हैं, ऐसे दौड़ भी सकते हैं। ये यही का आइसलैंड का यही मज़ा है। ये देखिए ऊपर से एक बार आराम से सो जाओ, और इसमें ज़्यादा देर तक ठंड में नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर निमोनिया हो सकता है। निमोनिया पता है ना, इंसान की मौत भी हो सकती है उससे। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़्यादा बुरबुरी बर्फ़ है और ये काफ़ी ठंडी है, थोड़ा सा हाथ में पकड़ोगे, इतनी ठंडी ठंडी बर्फ़ है। ओहो काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। और इसके बाद यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, शायद इसी तरफ उत्तर दिशा है तो वहाँ हमें कोई बस्ती वगैरह मिल सकती है। इस साइड भी लग रहा है, लेकिन ये छोटा सा टापू है, ये किसी ने खरीद रखा होगा यहाँ, तभी तो यहाँ दीवारें लगा रखी है। तो ये टापू से हम आगे की ओर जाएंगे, यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है तो शायद वहाँ इंसानी बस्ती हो सकती है। मेरा पाँव फंस चुका है, निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये देखिए लट्ठी भी गिर चुकी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, पाँव निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब निकला पाँव, ये देखिए कितना नीचे घुस रखा था, यहाँ पर काफ़ी संभल के चलना होगा। और ओहो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है हमें, काफ़ी ज़्यादा बर्फ है यहाँ पर आइसलैंड में। और इस साइड देखते हैं, इस साइड भी है काफ़ी ज़्यादा बर्फ, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए भी मस्त है। लेकिन यहाँ से बैठेंगे हम और यहाँ से ऐसे वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ व्यू। थोड़ा सा चढ़ने के लिए ऐसी ऐसी जगह बनानी पड़ती है हमें, ये हमें फोर्सेस में सिखाया गया था जब मैं ब्रिटिश फोर्सेस में गया था, वहाँ हमें सिखाया गया था बर्फीले इलाके में कैसे रहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से नीचे की ओर कूदने वाला हूँ, देखते हैं कितना अंदर घुसता हूँ। और यहाँ पर अरे ये कठोर है काफ़ी ज़्यादा, वो इसलिए नहीं घुस पाया, मेरे को लगा लग ही रहा था। तो अभी हमने यहाँ पर रेस्ट किया था गाइस, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आगे की ओर। यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी अच्छी है और हम इसे खा भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर बर्फ़ है और इसे प्यास बूझती है। अभी हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, बाकी देख सकते हैं धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी चमक रही है, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप आने लग गई है। और यहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघल रखी है, और ये देखिए जूते इतने ज़्यादा गीले हो रखे हैं और अंदर से सॉक्स भी सारे गीले हो रहे हैं, और बाकी कपड़े भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गीले हो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं, देखते हैं कोई बस्ती मिल जाए। देखिए यहाँ पर हमारे पंजों के निशान भी छप रहे होंगे, यहाँ पर हम अभी हम खुद छप के देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं सीधा स्ट्रेट। अब देखते हैं जरा कैसे जमे हैं हम, और उठने का नया तरीका। तो कैमरा मैन देख सकते हैं ये है हम, वो इतनी छोटी खोपड़ी। ये देखिए ये मेरे हाथ है और ये खोपड़ी है, और ये मेरी रीढ़ की हड्डी, ये दो जरा मेरे दिल है, जो पता है मेरे दो दिल है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा नीचे का ढांचा, बाकी ये पाँव देख सकते हैं ऐसी कुछ बन रखी है। देख ये इसके अंदर है, ये मेरी शक्ल है, ठीक है। ये मैं आइसलैंड में बना के जा रहा हूँ, जब कोई भी दूसरा सैलानी मतलब दूसरा पर्यटक कोई एडवेंचर करने आएगा तो देखेगा ये यहाँ पर मैं हूँ। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की ओर, और ज़्यादा देर तक बर्फ़ में भी नहीं रहना चाहिए, आइसलैंड में काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। अब इस वाली बर्फ़ को करते हैं बाय बाय, बोतल भी यहीं पर है, बोतल को भी ले जाते हैं। ऐसे करेंगे क्या, अभी पानी में डाल देते हैं, देखिए तैरने लग गई है बोतल। और अब हम यहाँ से चढ़ते हैं ऊपर की ओर, ये देखिए ओ भाई पाँव डूब रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। कहा जाता है यहाँ पर कई दशक से यहाँ पर बर्फ़ गिरी नहीं थी, लेकिन जिस साल यहाँ पर बर्फ़ गिरती है ना, और काफ़ी भयंकर बर्फ़ गिरती है यहाँ पर, कई टन से बर्फ़ गिरती है यहाँ पर, और एक साल यहाँ पर इतनी ज़्यादा तगड़ी बर्फ़ गिरी थी, काफ़ी ज़्यादा सैलानी यहाँ पर फंस गए थे, दब गए थे इस बर्फीले इलाके में, काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी बर्फ़ें गिरी थी। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कम गिरती है बर्फ़, और क्योंकि पर्यावरण दूषित हो चुका है, और आइसलैंड में हमेशा बर्फ़ गिरी रहती है, और जो पहाड़ है ना वहाँ पर, वहाँ से मतलब उसका पानी आता रहता है और यहाँ से जम जाती है बर्फ़ और पिघलने का नाम नहीं रहती। जब भी कब आप ऐसी जगह पे जाओगे तो पूरी सेफ्टी के साथ जाना, मैं तो अभी कुछ सेफ्टी के साथ आया नहीं था, लेकिन अभी देखता हूँ कोई बस्ती मिल जाए जल्दी से जल्दी, और काफ़ी भीग चुका हूँ मैं, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। खाने के लिए भी इस बर्फीले इलाके में मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलता, और बर्फ़ ही खा रहा था, उससे ज़्यादा भी खाएंगे तो निमोनिया हो सकता है या हाइपोथर्मिया जो भी, और उससे हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए अपनी सेफ्टी भी रखनी चाहिए। बाकी आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, काफ़ी मोटी मोटी बर्फ़ है, ये देखिए काफ़ी ऊंची ऊंची यहाँ पर, तो देखते हैं ये देखिए 3 फीट से ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है यहाँ पर देखिए, और ये पूरा पौधा ढक रखा है।
तो देखिए यहाँ से आगे की ओर, यहाँ पर काफी ज्यादा पर्यटक आ रखे हैं, शायद यहाँ पर किसी पंजों के निशान भी दिख रहे हैं। यहीं से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए काफी अंधेरा है भाई, यहाँ पर काफी अंधेरा है। अंधेरे में थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाल लाल दाने गिरे हुए हैं, ये शायद किसी जानवर ने गिराए होंगे ऊपर से पेड़ों से। इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जानवर का निशान, दिव्या भालू का काम हो सकता है। देखिए यहाँ से आगे की ओर गया है भालू, तो हमें संभल के जाना होगा यहाँ से। हाइपोथर्मिया की वजह से इंसान कोमा में भी जा सकता है। एक ये ऐसा लगता है जैसे कोई बस्ती जाने का रास्ता भी हो सकता है। हम इसी के आगे सारे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कोई बस्ती जाने का रास्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए। यहाँ पर लगता है कोई जानवर यहाँ पर सोता था, ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा पंजों के निशान लग रहे हैं। यहाँ पे कोई जानवर सोया होगा इस साइड। ये आइसलैंड पूरा, ये टापू शायद खाली है, इस साइड जाके देखते हैं। ये क्या हम बस्ती की ओर पहुँच चुके हैं, सामने देख सकते हैं, सामने घर दिख रहे होंगे और नीचे सड़क दिख रही होगी। हम बस्ती की ओर पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से थोड़ा सा रास्ता है बाकी। देखिए सामने वाली पहाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है, वहाँ पे भी कोई बस्ती, एक टावर दिख रहा है, शायद वहाँ पर इंसानी लोग रहते होंगे। और जो ये नीचे दिख रहे हैं ना, सामने तो घर दिख ही रहे हैं, वहाँ पर सारे इंसानी लोग रहते हैं। तो अभी हम यहाँ से जल्दी अपने घर की ओर बढ़ना होगा। बाकी यही था आज का आइसलैंड का सर्वाइव पॉइंट, और हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया, काफ़ी परेशानी झेली और देखे बर्फीले इलाके में कैसे ज़िंदा रहता है। वहाँ पर ये सारी टिप्स बताए हमने, जो भी सर्वाइवर जो आता था हमें वो सब कुछ दिखाया टेक्निक। और आप लोग भी ऐसे मतलब जाओगे तो फुल सेफ्टी के साथ जाना, मेरी ओर से एक मैसेज है। बाकी अब हम अपनी बस्ती की ओर जाते हैं, काफ़ी भूख भी लग चुकी है। कितने दिनों से मैं यहाँ पे फंसा हुआ था आइसलैंड में, तो आइसलैंड में मैंने कैसे सरवाइव करते हैं ये सिखा दिया है। तो अब अपने घर की ओर बढ़ते हैं। आइसलैंड ने मेरा कड़ा इम्तिहान लिया, लेकिन सच मानिए ये दूर दराज इलाका बहुत खूबसूरत है। मुझे खुशी है कि मेरा ये सफर खत्म हुआ, और वो भी ब्रिटिश एयरफोर्स की मदद से। इस शो के मेरे फेवरेट मोमेंट्स शेयर कर